हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कॉर्नर। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक्चुअली आई हैव अ गुड न्यूज़ टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो आई एम मेकिंग अ वीडियो एंड कन्वेइंग माय मैसेज। आई हैव लॉस्ट 5 kgs इन लेस देन 2 months एंड इट्स अ रियली बिग थिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव PCOD एंड PCOD में वेट लूज करना कितना डिफिकल्ट होता है। आई हैव एक्सप्लेन इन माई अर्लियर वीडियोज़ एज वेल। सो इन माई अर्लियर वीडियोज़ आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट माई PCOD जर्नी, कब हुआ था मुझे PCOD। एंड उसमें मैंने बताया था कि आफ्टर यू आर डायग्नोस्ड विद PCOD आपका वेट लॉस प्रोसेस बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है। आपका वेट गेन बहुत जल्दी होगा लेकिन वेट लूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई एम यूजिंग इन लूजिंग वेट दिस टाइम इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट काइंड ऑफ डाइट आई एम फॉलोइंग, व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट रूटीन आई एम डूइंग। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए इस बार मैंने क्या क्या किया है टू लूज 5 kgs इन लेस देन 2 months। एज आई नो कि PCOD होने से वेट लूज प्रोसेस बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है, सो आई एम कीपिंग दैट इन माई माइंड एंड आई एम पेशेंटली डूइंग एवरीथिंग। मैं धीरे धीरे अच्छे से मेरा वर्कआउट्स कर रही हूँ, आई एम फॉलोइंग माई डाइट प्लान प्रॉपरली एंड मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी इन वॉट आई एम डूइंग। सो नाउ आई एम डूइंग इंटरमीडियंट फास्टिंग बिकॉज इट सूट्स माई बॉडी टाइप एंड मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। पहले भी मैंने किया था एंड आई मेड अ वीडियो एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल कैसे मैंने IF करके वेट लूज किया था एंड हाउ इट सूट्स माई बॉडी टाइप। एंड टॉकिंग अबाउट माई वर्कआउट पार्ट, आई एम डूइंग 6 days of weight training a week एंड आई एम डूइंग कार्डियो रेगुलरली। इन द इनिशियल डेज आई यूज टू डू लाइक 30 minutes ऑफ कार्डियो आफ्टर माई वर्कआउट सेशन एंड देन आई इंक्रीज फ्रॉम 30 to 45 minutes एंड देन फ्रॉम 45 minutes टू 1 hour। And now I'm splitting my cardio sessions. Like I do 45 minutes of cardio early in the morning and 45 minutes right after my workout. So now I'm doing 24 hours of fasting and I'm doing 1 meal a day. So whenever I break my fast, मैं घर का खाना ही खाती हूँ, बाहर का कोई भी खाना मैं नहीं खाती हूँ। Like rice, dal, sabji and it should be rich in protein. So for protein intake, I take paneer, fish, meat, chicken, जो भी हो, but protein ज़्यादा होना चाहिए। And slowly and gradually I am cutting down my carbs क्योंकि PCOD में weight loss process boost होता है when you increase your protein intake. And if you have PCOD आपका body बहुत ही ज़्यादा carb sensitive हो जाता है and if you eat carbs a lot तो आपका बहुत ही ज़्यादा weight gain होगा and weight loss process बहुत ही slow down होगा. So आपको protein intake ज़्यादा करना है and carb intake low down करना है। और जब भी मैं intermittent fasting करती हूँ I drink lots of water. I drink like 4 to 5 liters a day. और जब भी कुछ खाने का मन करता है I feel like craving something, I drink water. And इससे मेरा पेट भी फिल अप हो जाता है और क्रेविंग भी चला जाता है। मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग बस वेट लूज के लिए ही नहीं करती हूँ, इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एंड इट यू नो इंक्रीजेस योर कंसेंट्रेशन लेवल। और आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा थ्रू आउट द डे व्हेन यू डू इंटरमीडियंट फास्टिंग एंड वर्कआउट। आप लेथर्जी बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन फास्टिंग किया बहुत ही थकान होगा, नो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। आप उल्टा बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे एंड IF के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप जब करोगे खुद तो आपको पता चल जाएगा। एंड यू नो पीपल लुक एट मी एंड से दैट आई एम नॉट फैट एट ऑल बिकॉज माई हाइट इज़ 5'9" एंड आई एम टॉलर देन द एवरेज फीमेल्स। सो इतना ज़्यादा फैटी नहीं दिखाई देती, मैं लीन दिखाई देती हूँ, बट आई नो कि मेरा फैट डिपोजिशन कितना ज़्यादा होता है वेन एवर आई गेन वेट। एंड मेरा जो टमी एरिया है एंड आर्म्स है उसमें फैट डिपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है एंड इट टेक्स द लॉन्गर टाइम टू शेड ऑफ। जब भी मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ मेरा जो फैट डिपोजिशन है आर्म्स और बेली का वो शेड ऑफ होने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एंड आई नीड टू बी रियली पेशेंट क्योंकि बहुत गंदा दिखता है आर्म्स का और बेली का फैट एंड सबको चाहिए होता है एक फ्लैट टमी एंड टोन्ड आर्म्स। सो आई नीड टू बी रियली पेशेंट वेन एवर आई डू एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस वॉज द गुड न्यूज़ दैट आई हैड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड ऑल द प्रिटी गर्ल्स आउट देयर, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आई वुड से कि आप लोग पेशेंटली अच्छे से अपना डाइट एंड वर्कआउट फॉलो करो एंड इट विल ऑब्वियसली गिव यू गुड रिजल्ट्स। आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।